जसपुर में आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर प्रगतिशील भोजन माता संगठन के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जुलूस निकाला। साथ ही उप जिला अधिकारी जसपुर को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। वहीं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की कार्यकर्ता स्वाहिष्ठा ने कहा कि भोजन माता लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। पूर्व जिला मंत्री द्वारा कहा गया था कि भोजन माता का मानदेय 5,000 किया जाएगा, लेकिन अभी तक घोषणा अधर में लटकी हुई है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांगे हैं कि भोजन माता को स्थायी किया जाए और जो घोषणा की गई थी कि 5,000 रुपये की जो वेतन उनको दिया जाएगा उसे तत्काल रूप से लागू किया जाए। उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने कहा कि भोजन माताओं द्वारा अपनी कुछ सुविधाओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग से बात की जाएगी। अगर जिला स्तर से उनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है तो उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, नहीं तो शासन स्तर पर भेज दिया जाएगा। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। माता संगठन जो है लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और जो है वो आज जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने ये बात करी थी कि हम तत्काल जो है 5,000 रुपये लागू करेंगे। वो मांग भी जो है जो घोषणा की थी वो भी अभी तक अधर में लटकी हुई है। फिर और स्कूलों में बहुत सारे स्कूलों में अभी भी जो है भोजन माताएँ जो है चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं और उनके अलावा जो भोजन बनाने का जो उनका काम है उसके अतिरिक्त भी उनसे काम कराया जाता है। जैसे फील्ड साफ़ कराना हो, टॉयलेट साफ़ कराना हो, या उसके अलावा भी बहुत सारे काम है जिसमें भोजन माताओं को लगाया जाता है। और भाई ये है कि द्वारा जो है अपनी कुछ सुविधाओं को लेकर यहाँ पे धरना दिया गया और वो एक ज्ञापन दिया गया जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं, उसके बारे में शिक्षा विभाग से बात की जाएगी। जितना पॉसिबल है, जो अगर यदि जिला स्तर से संभव है उसको पूरा करना, तो हम जिला स्तर से पूरा उसको करने के लिए प्रयास करेंगे, नहीं तो शासन स्तर पे उसको भेजा जाएगा।